लेक्चर में हम लोग सीआरपीसी के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 12 पे। चैप्टर 12 बेसिकली डील्स विद प्रोविजंस रिलेटिंग टू एफआईआर। अब एफआईआर से रिलेटेड बातों की जानकारी आपको अगर मिलेगी तो सीआरपीसी की कौन से चैप्टर से मिलेगी? मूलतः चैप्टर 12 से मिलेगी। मैं प्रयास कर रहा हूं कि इस लेक्चर को एक सीरीज का रूप दूं और जिसमें चैप्टर 12 से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है 154 से 176 तक, उन सभी प्रोविजन को मैं कवर करूं ताकि आपको सहूलियत हो चैप्टर 12 को तरीके से समझने में। तो आज हम लोग बेसिकली डील करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो है सेक्शन 154। हम लोग एफआईआर से रिलेटेड प्रोविजन पे डील करेंगे आज इस लेक्चर में। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसेक्शन 1 का, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि 154 का जो हेडिंग है वो साफ तौर पर बताता है कि सेक्शन 154 कहना क्या चाहता है। तो क्या है? इंफॉर्मेशन कॉग्निजिबल केसेस। दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि लेक्चर को सुनते वक्त या देखते वक्त अपने पास सीआरपीसी का बेरैक के टेक्स्ट बुक जरूर रख लें ताकि आपको बातों को समझने में और अच्छे से समझ आए और आसानी से आपके माइंड में सेट हो जाए और कभी आपके माइंड से निकले नहीं। तो सबसे पहले जो आता है पॉइंट पे अब कि कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है। तो पहले यह समझिए कि कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है। कॉग्निजिबल ऑफेंस वह होता है, कॉग्निजिबल केस उस केस को कहेंगे जिसका संबंध उस अपराध से होता है जिस अपराध को लेके पुलिस ऑफिसर के पास यह पावर होता है कि जो भी व्यक्ति आरोपी है उस अपराधों का उसको वो अरेस्ट कर ले विदाउट ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के या वारंट ऑफ अरेस्ट के बिना भी अरेस्ट कर ले उस व्यक्ति को जो एक्यूज्ड है, आरोपी है कॉग्निजिबल ऑफेंस का, या उस ऑफेंस का जो कॉग्निजिबल इन नेचर है। तो ऐसे ऑफेंस को हम लोग कॉग्निजिबल ऑफेंस कहते हैं। अगर आमतौर पर समझिए तो संघीय अपराध जो कह सकते हैं कॉग्निजिबल ऑफेंस, और उसको डिफाइन किया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 2C में, है ना। अब आइए पॉइंट पे। सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर मान लीजिए इंफॉर्मेशन दिया गया कॉग्निजिबल ऑफेंस के कमीशन के संबंध में तो फिर ये और इंफॉर्मेशन किसके द्वारा दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, ठीक है, किस फॉर्म में दिया जाएगा, इन सभी बातों को हम लोग समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले किसके द्वारा दिया जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि कॉग्निजिबल ऑफेंस के संबंध में अगर इंफॉर्मेशन देना है तो सिर्फ उस व्यक्ति के द्वारा ही दिया जाए जिसके खिलाफ कॉग्निजिबल ऑफेंस हुआ है, ये कोई जरूरी नहीं है। किसी के द्वारा एफआईआर लॉज किया जा सकता है, ठीक है। यहां एफआईआर का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और यहां पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का तात्पर्य मतलब उस अपराध से जिसका संबंध कॉग्निजिबल ऑफेंस से है, ये आप दिमाग में रख के चलना, है ना। तो किसके द्वारा दिया जाएगा ये समझ में आ गया। अब कहता है कि किन तरीके से दिया जा सकता है, मोड क्या है, ठीक है, एफआईआर को लॉज करने का अगर कहे तो आम तौर पे तो दो तरीका है, ओरली या फिर इन राइटिंग, मौखिक रूप से या लिखित रूप में, दो तरीके से एफआईआर लॉज होगा। अब लॉज होगा तो किसके पास लॉज होगा, तो सबसेक्शन 1 कहता है कि एफआईआर लॉज जब भी होगा तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, थाना अध्यक्ष जिसको कहते हैं, या फिर उस पुलिस ऑफिसर के पास जो उस ऑफिसर इंचार्ज का थाना अध्यक्ष का सबॉर्डिनेट है और ऑफिसर इंचार्ज के नेतृत्व में होगा। तो किसके पास एफआईआर लॉज होगा यह भी समझ में आ गया। अब आइए कि अगर मान लीजिए ओरली एफआईआर लॉज हो रहा है तो उसका प्रोसीजर क्या है। अगर कोई व्यक्ति आता है और वो मौखिक रूप से जानकारी देता है कॉग्निजिबल ऑफेंस के संबंध में तो फिर क्या प्रोसीजर है ये देखिए। कहता है कि उसके इंफॉर्मेशन को रिड्यूस किया जाएगा लिखित में, रिड्यूस किया जाएगा राइटिंग में, किसके द्वारा किया जाएगा यह भी मैंने आपको बताया, ऑफिसर इंचार्ज या फिर किसी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो सबॉर्डिनेट है ऑफिसर इंचार्ज का और ऑफिसर इंचार्ज के नेतृत्व में किया जाएगा। तो रिड्यूस किया जाएगा लिखित में, अगर लिखित में दिया गया तो डायरेक्ट रजिस्टर कर लिया जाएगा, रजिस्टर में एफआईआर के रजिस्टर में रजिस्टर कर लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया कि जिस बुक में रजिस्टर किया जाएगा इसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर ऑफ एफआईआर, ठीक है। तो वो बुक का मैनर क्या, मैनर में रजिस्टर होगा, उस बुक का क्या फॉर्म होगा, ये सभी तय किसके द्वारा होगा, ये होगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बाय रूल, ठीक है ना। अब देखिए, अब तो ओरली दिया गया तो
उसको रिड्यूस किया गया लिखित में, अगर लिखित में दिया गया तो हूबहू जो सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको दर्ज कर लिया गया रजिस्टर में एफआईआर का। उसके बाद क्या होगा, तो सबसेक्शन कहता है वन सेक्शन 154 का कि उसके बाद जो इंफॉर्मेटर जो इंफॉर्मेंट है जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको वो सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ के सुनाया जाएगा। उसके बाद उसको कहा जाएगा कि आप अपना दस्तखत करो रजिस्टर में, जहां जिस रजिस्टर में एफआईआर लॉज हुआ है वो रजिस्टर कैसा होगा, किस मैनर में एफआईआर लॉज होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया ये तय होगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बाय मेकिंग रूल, है ना। तो उसको दस्तखत करने को कहा जाएगा। तो इस तरीके से आपका एफआईआर दर्ज होता है। कैसे होता है, प्रोसीजर क्या है, इस बात की जानकारी आपको सबसेक्शन 1 से मिल गई। अब इसके प्रोविजो में आते हैं। पहला प्रोविजो कहता है, तो सबसे पहले जो प्रोविजो फर्स्ट है 154 में उसको जोड़ा गया है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के द्वारा। अब फर्स्ट प्रोविजो का कंसेप्ट को समझिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि अगर उस महिला के द्वारा ऐसे अपराधों का इंफॉर्मेशन दिया गया जो पनिशेबल है इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 126A के तहत, 126B के तहत, 354 के तहत, 354A से 354D के तहत, 376 के तहत, 376A से 376E के तहत पनिशेबल है, ऐसे ऑफेंसेस के संबंध में अगर कोई महिला जिसके विरुद्ध ये अपराध हुए हैं, अगर वो महिला ऐसे इंफॉर्मेशन के संबंध में जानकारी देती है, इंफॉर्मेशन देती है, तो यहां पे वह इंफॉर्मेशन किसके द्वारा रजिस्टर्ड होगा, तो कहता है वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा या फिर वुमेन ऑफिसर के द्वारा ही रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। इस बात की जानकारी आपको प्रोविजो फर्स्ट से मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोविजो सेकंड में आते हैं। प्रोविजो सेकंड जो इसमें तीन बात है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो क्लाउज है सेकंड प्रोविजो का, ठीक है ना, वो कहता है कि अगर मान लीजिए जिस महिला के विरुद्ध अपराध हुआ है 354 के तहत, 354A से 354D के तहत, 376A से 376E के तहत, 509 सेक्शन के तहत इंडियन पेनल कोड का, या ये अपराध उस महिला पे हुआ है या ये अपराध उस महिला पे करने की कोशिश की गई है, ऐसे अपराधों को लेके अगर इंफॉर्मेशन वह महिला दे रही है और वह महिला प्रोविजो सेकंड के क्लाउज ए के अनुसार अगर परमानेंटली या टेम्पररली, ठीक है, डिसेबल्ड है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, तो वह जो इंफॉर्मेशन देगी वह इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर के द्वारा रजिस्टर्ड होगा, या पुलिस ऑफिसर वुमेन भी हो सकती है, मेल पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा रजिस्टर्ड होगा। और कहां होगा, तो कहता है उस महिला के रेजिडेंस में होगा रजिस्टर्ड, या उस महिला के चॉइस ऑफ प्लेस पे, जो भी प्लेस तय होगा उस महिला के द्वारा उस जगह पे ही इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड होगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा। और जब ये रजिस्टर्ड होगा तो उस वक्त उपस्थित होना आवश्यक है इंटरप्रेटर या स्पेशल एडुकेटर, मतलब स्पेशल एडुकेटर या इंटरप्रेटर के उपस्थिति में ही रजिस्टर्ड होगा इंफॉर्मेशन, अगर ऐसे महिलाओं के द्वारा दिया गया है इंफॉर्मेशन तो, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लाउज ए। अब आगे बढ़ते हैं बी में आते हैं। बी कहता है कि जब वह महिला इंफॉर्मेशन देगी, वह महिला मतलब जिसका जिक्र किया गया है क्लाउज ए में, अगर वह महिला इंफॉर्मेशन दे रही है तो उसके इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा, कैसे, तो वीडियोग्राफ्ट के थ्रू, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आते हैं जो प्रोविजो टू का जो क्लाउज सी है वो क्या कहता है, ये समझिए। उस महिला के, उस महिला का मतलब तात्पर्य जिसका जिक्र किया जा रहा है क्लाउज ए में, उस महिला के स्टेटमेंट को पुलिस ऑफिसर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस महिला के स्टेटमेंट को दर्ज कराएगा, रजिस्टर्ड कराएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। और ये होगा किस प्रावधान के तहत, तो ये होगा 164 सबसेक्शन 5A क्लाउज ए के तहत होगा। उस महिला के स्टेटमेंट को, बयान को दर्ज कराया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा मजिस्ट्रेट से जल्द। अब ऐसा क्यों करा जाएगा ये समझ लीजिए, ताकि उस महिला का बयान दोबारा से ड्यूरिंग ट्रायल नहीं लिया जाए और उस महिला को इस स्टेटमेंट के आधार पर ही क्रॉस एग्जामिन कर लिया जाए,
तो इतनी बातों की जानकारी आपको सेकेंड प्रोविजो से मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सबसेक्शन टू पे। 154 का सबसेक्शन टू कहता है कि इन्फॉर्मेंट को जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में, यूं कह लीजिए कि जो एफआईआर दर्ज कर रहा है, तो उसको एफआईआर का कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। यह कहता है आपको सबसेक्शन टू सेक्शन 154 का। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है सेक्शन 154 का सबसेक्शन 3 जो है वो क्या कहता है ये समझिए। अगर मान लीजिए इन्फॉर्मेशन मतलब एफआईआर लॉज आप करने गए और आपके एफआईआर को लॉज करने से मना कर देता है अगर ऑफिसर इंचार्ज या फिर कोई पुलिस ऑफिसर, तो फिर आपके पास क्या रेमेडी होगा, आप क्या करिएगा? तो आप कह सकते हैं एक चीज कि आप अगर यहां एग्रीड हैं इन बातों से कि आपके एफआईआर को लॉज नहीं किया गया है ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा या पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो आप क्या कीजिएगा, सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब एफआईआर का कॉपी सेंड कर दीजिएगा। कर सकते हैं आप सबसेक्शन 3 के अनुसार, किसको? तो एसपी को, कंसर्निंग एसपी को आप सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सेंड कर दीजिएगा बाय पोस्ट या किसी भी माध्यम से आप एफआईआर को एसपी तक पहुंचा दीजिएगा। अब होगा क्या, अगर एसपी उस एफआईआर को देखने के बाद या सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद अगर एसपी को यह लगेगा कि वाकई में कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो उसके बाद एसपी क्या करेगा, एसपी खुद से इंस्पेक्ट करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा उस अपराध का, या फिर एसपी अपने से नीचे के पदाधिकारी को, अपने से नीचे के सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को निर्देश देगा कि आप उस ऑफेंस को लेके इन्वेस्टिगेट करो, और जिस पुलिस ऑफिसर को एसपी निर्देश देगा उस पुलिस ऑफिसर को उस अपराध को लेके हर वो पावर होगा इन्वेस्टिगेशन के संबंध में जो पावर होता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को। इतनी बात की जानकारी आपको सबसेक्शन 3 से मिलती है। अब कुछ बेसिक जानकारी भी आप समझिए। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट था जीरो एफआईआर का कंसेप्ट। अब जीरो एफआईआर का कंसेप्ट भी समझिए। जीरो एफआईआर क्या होता है कि अगर आपके माइंड में यह सवाल उठना चाहिए कि क्या एफआईआर सिर्फ उसी पुलिस स्टेशन के में होगा जिस पुलिस स्टेशन के लोकल लिमिट के अंतर्गत अपराध हुआ है, तो ये कोई जरूरी नहीं है। एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में लॉन्च किया जा सकता है, और इसी कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं जीरो एफआईआर का कंसेप्ट। और ये जो इवॉल्व हुआ था जिस केस से, उस केस को आप लिखो, काफी इंपॉर्टेंट है। वो केस है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनाती रामुवे का। पहला इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सेकेंड पे। सेकेंड कहता है डिले इन लॉजिंग एफआईआर। अगर मान लीजिए एफआईआर लॉन्च करने में कोई देरी हो गई, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा प्रोसिक्यूशन के केस पे? तो कहता है कि अगर डिले हुआ, किसी उचित कारण से हुआ है, और वह कारण अगर पुलिस ऑफिसर या प्रोसिक्यूशन बताता है मजिस्ट्रेट को, और मजिस्ट्रेट इस बात से सेटिस्फाइड हो जाती है कि देर इज रीजनेबल डिले, तो फिर यहां पे फिर लॉन्च करने में जो देरी हुआ है एफआईआर को, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रोसिक्यूशन के केस में। इस बात की जानकारी आपको किस केस लॉ से मिलती है, या यह जो बात कहा गया है ये किस केस में कहा गया है, यह जानो। चुन्नी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। मैं फिर से रिपीट करता हूं, चुन्नी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, काफी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लो। अब आते हैं तीसरा रिलेवेंट केस लॉ है, कहता है कि सेकंड एफआईआर का क्या कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है सेकंड एफआईआर का? मतलब कि अगर मान लीजिए आप एक अपराध को लेके एफआईआर लॉन्च करते हैं, तो क्या आप उसी अपराध को लेके दोबारा एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं? तो कहता है कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है सीआरपीसी में सेकंड एफआईआर का, है ना। सेकंड एफआईआर मतलब होता है कि आप एक ही ऑफेंस को लेके दो बार लॉन्च कर रहे हो एफआईआर। तो कहता है कि दूसरे बार जब आप उस अपराध को लेके एफआईआर लॉन्च करोगे और आपके बातों को पुलिस ऑफिसर रजिस्टर करेगा, तो वह माना जाएगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है पुलिस ऑफिसर के द्वारा। मतलब सेकंड एफआईआर का कोई कंसेप्ट नहीं है सीआरपीसी में, एक ही कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर दो बार एफआईआर नहीं होता है। यह बात साफ तौर पर कहा गया था टीटी एंटोनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में। मतलब देयर इज नो प्रोविजन रिलेटिंग टू सेकंड एफआईआर अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड हैज बीन स्ट्रक आउट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विच केस, टीटी एंटोनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रजिस्टर्ड नोट कर ही लो, ये बहुत आपको काम देगा जुडिशियल एग्जाम में। तो दोस्तों, लेक्चर को हम लोग अब कंक्लूड करते हैं। हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने ये ध्यान रखिएगा कि चैप्टर 12 का ये सीरीज है, इस सीरीज में मैं आपको 12 चैप्टर से रिलेटेड जितना भी प्रोविजन है
154 से लेके 176 तक जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सभी सेक्शंस मान लीजिए आपको मैं कवर करवा दूंगा, आपका चैप्टर 12 भी सीआरपीसी का क्लियर हो जाएगा, और साथ ही साथ हिंदू लॉ जो चल रहा है वो भी चलेगा कंटिन्यूअसली। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने 154 के हर एक प्रोविजन को बारीकी से समझा तोड़ तोड़ के। उसके बाद हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है एफआईआर से रिलेटेड, जो भी रिलेवेंट पॉइंट है उस पर भी डिस्कस किया। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका आप तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।